हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल रिट पटिशन 1416/2020 वो चल रही है कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिलेवेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसमें इंटरिम ऑर्डर के थ्रू, जो कि इंटरिम ऑर्डर 18/8/2021 को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, उसमें जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको एनडीए के एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन दी गई, सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। जो इस केस में फर्दर ऑर्डर होगा उसके सब्जेक्ट टू है, वो वुमेन कैंडिडेट को एनडीए के एग्ज़ाम में, जो कि 5th September 2021 को हो रहा है, उसमें बैठने की इजाज़त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का डिवीज़न बेंच इसकी सुनवाई कर रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल एंड हर केश रॉय हैं, उन्होंने ये इंटरिम डायरेक्शन वो पास की गई है, जिसमें वुमेन कैंडिडेट को 5th September 2021 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एनडीए के, उसमें बैठने की इजाज़त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर यूपीएससी को डायरेक्ट किया है कि वो नेसेसरी कोरिजंडम है वो इसके लिए निकाले, इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, और इसकी पब्लिसिटी करे, सो दैट कि ये ऑर्डर का जो बेनिफिट है वो ग्राउंड लेवल पे हो जाए। यूपीएससी को इसमें पार्टी बनाया गया था, इंस्पाइट ऑफ दैट यूपीएससी इसमें अपियर नहीं हुई, बट यूपीएससी को सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्शन की है कि वो नेसेसरी कोरिजंडम है वो इंटरिम को देखते हुए पास करे ले, और सो दैट कि उसकी वाइड पब्लिसिटी हो और इस ऑर्डर की जो इंटेंशन है वो बेनिफिट है वो ग्राउंड रूट पर हो सके। पटिशन क्यों फाइल करेगी थी, पटिशनर की प्लीडिंग क्या थी? पटिशनर कहता था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इशू रेज किया गया था वायलेशन आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत जो एलिजिबल एंड विलिंग फीमेल कैंडिडेट है जो एनडीए ज्वाइन करनी चाहती है, नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको रिफ्यूज़ किया जाता है एनडीए के एग्ज़ाम देने के लिए, और उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए, उनको चांस दिया जाए एनरोल करने का, अपने आप को ट्रेन करने का, डेवलप करने का नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और ताकि जो फ्यूचर आर्मी, इंडियन आर्मी फोर्सेस के लीडर बन सकें। तो पटिशन इस ग्राउंड पे फाइल करी गई थी। उसके बाद जो यूनियन ऑफ इंडिया और आर्ग्यू किया गया असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल द्वारा, वो था कि कोर्ट इंटरिम मेयर के तौर पे, क्योंकि ये एक पॉलिसी डिसीजन है, इसमें पॉलिसी डिसीजन में कोर्ट एज ए इंटरिम मेयर उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती पॉलिसी मैटर में। तो ये जो एएसजी है उनकी सबमिशन थी कि जो 3 मोड हैं रिक्रूटमेंट के ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, वो हैं नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। एनडीए एंड आईएमए वो हैं वो डायरेक्ट मोड हैं जिसको यूपीएससी के थ्रू जिसमें जाया जाता है, और जबकि ओटीए में वुमेन आर कमीशन्ड अलोंग विद मैन, वो जो ओटीए में वुमेन भी कमीशन की जाती हैं उसमें प्रो बोथ यूपीएससी और नॉन यूपीएससी मेथड के थ्रू। सो उसमें वो शॉर्ट सर्विस मैन और वुमेन दोनों को दी जाती है, और उसके बाद उनको परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर, जो कि 17 February 2020 को डिसाइड हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियरली ऑब्जर्व किया था कि जेंडर रोल है या साइकोलॉजिकल जो फीचर है वुमेन के, उनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है कि उनको इक्वल एंटाइटलमेंट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना दी जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो यूनियन गवर्नमेंट है उनको डायरेक्शन किया है कि वो एक बेटर है एफिडेविट है वो पॉलिसी डिसीजन जो कि उनके बेस हैं उनको लेकर एक बेटर एफिडेविट है वो फाइल करें, जिसमें जेंडर इक्वलिटी के को ध्यान में रखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है बबीता पुनिया के केस में, उसको ध्यान में रखे हुए एक डिटेल और बेहतर एफिडेविट है वो फाइल करने के लिए बोला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये केस इम्पॉर्टेंट है और वुमेन कैंडिडेट के लिए कि एनडीए एग्ज़ाम में बैठें, और एनडीए एग्ज़ाम जो कि 5th September 2021 को हो रहा है उसमें वो एग्ज़ाम देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिट किया है, और साथ ही साथ में यूपीएससी को यह डायरेक्ट किया कि वो कोरिजेंडम निकाले और कैंडिडेट के लिए पब्लिसिटी करे, और इस ऑर्डर का जो इंटरिम ऑर्डर है इसको वाइड जो ग्राउंड रूट लेवल है उस तक पहुंचा जा सके, और साथ ही साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बेटर एफिडेविट फाइल करने के लिए गवर्नमेंट को बोला है इस जो
बबीता पुनिया का केस है उसको ध्यान में रखते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया है कि वुमेन जो फीचर्स साइकोलॉजिकल फीचर है वुमेन है, उनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी ना दी जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो ये जजमेंट है, इंटरिम जजमेंट है, जब भी इसके में फर्दर ऑर्डर होगा या जजमेंट होगी तो हम उसके लिए फिर से दोबारा डिस्कस करेंगे। तो ये जजमेंट इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कि इसका जो बेनिफिट है या इसके ऑर्डर की नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वुमेन कैंडिडेट के पास पहुँच सके।